नमस्कार दोस्तों, आप सबका NH1 न्यूज़ में स्वागत है। हमारा कोशिश तो यही रहता है कि हम आपको जम्मू की पर्सनैलिटी से जो है मिलाते रहे, और जो जम्मू के लोग हैं और जम्मू के जो आसपास की जगहें हैं वहाँ की समस्याओं को भी आपके सामने लेके आए। तो आज जो है ये सिधरा के पास हम आए हैं और यहाँ के लोग जो है बहुत ही दिक्कतों से गुजर रहे हैं, स्पेशली जो ये बिजली के बिल को लेके जो है बहुत ही समस्या से गुजर रहे हैं। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे मीटर्स तो हैं जो लग चुके हैं, दिसंबर मंथ में ही जो इनके मीटर लग चुके हैं, लेकिन उसका जो बिल है अभी तक इनके पास नहीं आया है। 6 मंथ्स हो गए, 6 महीने हो गए इस बात को, लेकिन जो बिल है अभी तक नहीं आ पाया। यहाँ के लोगों ने यहाँ के डिपार्टमेंट से, बिजली डिपार्टमेंट से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन उनका यही कहना है जो ये हेड ऑफिस है बिजली जो जनरेट होता है, बिजली के जो बिल जनरेट होते हैं वो श्रीनगर के हेड ऑफिस से जनरेट होते हैं। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र सिंह जसरोटिया। जसरोटिया साहब, कौन सी कॉलोनी है और क्या परेशानी आ रही है आपको यहाँ? ये हम सिधरा कॉलोनी में रहते हैं, बाईपास, SBI बैंक के अपोजिट है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, नियर मंगल सिंह मार्ग है हमारा। तो हमारे जो बिजली के मीटर थे ये दिसंबर महीने में लगे, दिसंबर के बाद आज तक दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5-6 महीने हो गया, अभी तक हमको बिल नहीं आया। यूनिट हमारी लगातार चल रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कहाँ से रीडिंग लेते हैं, नहीं लेते हैं डिपार्टमेंट वाले, लेकिन हम बहुत परेशान हो गए हैं कि अगर हमको इकट्ठा बिल देंगे उसमें ये इंटरेस्ट भी लगाएंगे उसमें, जैसे हम बिल नहीं पेड करते हैं, ये बोलते हैं ड्यू डेट पर बिल नहीं दिया तो आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे या 2 रुपये एक्स्ट्रा, जो भी होंगे। तो लगातार ये उसको हमें इंटरेस्ट से चढ़ाते रहेंगे, क्योंकि बिल आए नहीं तो हमको कुछ पता नहीं लगेगा क्या देंगे बिल में, ये तो यूनिटें लेंगे इतना बिल आया, इतना सरचार्ज, इतना ले दिया। तो हम मुलाजिम आदमी हैं, पेंशन आए हैं, पेंशन से हमारी लिमिट चलती है, जो भी हमारी पेंशन है उसमें हमको पता है कि 1000 रुपया, 1500, 500 रुपया जो बिल है हमने देना। अभी ये किट्ठा 5000, 10000 दे देंगे, हम कहाँ से पेड करेंगे? और जब नहीं पेड करेंगे तो हमारे पास ये इंटरेस्ट लगाएंगे उसका। पूछने पर क्या कहते हैं डिपार्टमेंट का? पूछने वाला हम कहते हैं, ये बोलते हैं कि अभी वो हमारा यहाँ से बिल नरवाल में जाते हैं, जबकि हमारा हेड ऑफिस जो है नियर अबाउट 5 किलोमीटर है, 5 तीर्थी जो एक्शन साहब बैठते हैं, वो हम उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वहाँ से बिल उधर जाएंगे, सिरनर जाएंगे, सिरनर से वापस आएंगे, नरवाल आएंगे, नरवाल से फिर हमको आएंगे। तो हम तो बहुत परेशान हैं, अगर हमारा हेड ऑफिस इधर है, हमारे एक्शन साहब इधर बैठते हैं, तो जहाँ से अगर हमको मंथली बिल नहीं मिलता है, आगे जैसे रूटीन में हमको मंथली बिल मिलता था तो हम उसको पेड कर देते बैंक में जाकर, हमें कोई परेशानी नहीं थी। तो जब से ये मीटर लगे हैं हमसे इतनी परेशानी है कि हम तो आज तक बिल आया ही नहीं, हमको ये नहीं पता कि यूनिटें चढ़ रही हैं कितना बिल आएगा, क्या होगा, क्या नहीं, कितनी यूनिट लेंगे, तो फिर ज़्यादा जैसे जितनी ज़्यादा यूनिट होगी ये उसी हिसाब से बिल भी चढ़ा लेंगे। अब मांग क्या करते हैं प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं कि जैसे रूटीन में हमारा ये बिल आते थे, ऐसे हमारे में जो रूटीन में मंथली यूनिट जितनी हमारी बनती है हमें वो बिल हर मंथली आना चाहिए, ताकि हम उसको पेमेंट कर दें, हमें कोई परेशानी नहीं हो, गवर्नमेंट को भी जो है सही डेट पर उनको जो है अमाउंट मिल जाए। मैं तरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट PDD एम्प्लॉयज यूनियन। मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिक्कतें जो पब्लिक को आ रही हैं उसके लिए अवगत कराना चाहता हूँ। लास्ट ईयर मई से लेके आज तक हमारी जो बिलिंग है यहाँ से होती है और यहाँ से मेल करके जो श्रीनगर हेड ऑफिस जो विप्रो का है वहाँ पर जाती है, और वहाँ से बिलिंग जनरेट होके तो यहाँ पर वापस आके फिर यहाँ पर प्रिंट आउट निकलते हैं। बट वहाँ पर इंटरनेट की वजह से या किसी और प्रॉब्लम की वजह से कुछ सिस्टम अभी तक पूरे साल से सेट नहीं बैठा है, जिसकी वजह से ये जो हमारा फील्ड स्टाफ है इनको पब्लिक के साथ दो चार हर बार दिक्कतें आती हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये बिलिंग साइकिल जो है
इसको ठीक किया जाए, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही किया जाए दोबारा, ताकि जनरल पब्लिक जो है, हम पब्लिक सर्वेंट ही हैं, हम पब्लिक की सेवा के लिए बैठे हैं। ये ना हो कि पब्लिक के साथ हमारी हाथापाई होना शुरू हो जाए, जिसकी कि सीधे सीधे जिम्मेवार वो विप्रो कंपनी होगी कि जिनका सिस्टम अभी तक पूरा सेट नहीं बैठा है। क्या कहना चाहोगे आप जो बिजली के बिल नहीं आ रहे आपकी कॉलोनी में? मैं दिसंबर से लेकर अब तक हमारा कोई बिल नहीं आया है बिजली का। जो पहले आए थे वो भी पता नहीं को क्या किया क्या नहीं किया, वो मीटर लगाए उसके बाद देखा और चले गए, कोई हमारा बिल लिए। तो क्या कहना चाहोगे आप डिपार्टमेंट को, प्रशासन को? देखो जी, अगर इकट्ठा बिल आएगा तो हम कहाँ से देंगे, दे नहीं सकते हैं, फिर देना पड़ेगा तो किस्त में देंगे, ऐसे तो नहीं दे सकते, हम कहाँ देंगे। मेरा सुरेंद्र सिंह चौहान है। चौहान साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम सर ये है कि 17 दिसंबर को हमारे पूरा जो सिधरा है, ये पहले विलेज होता था, अब तो म्यूनसिपलिटी के एरिया भी आ गया है, काउंसिल भी यहाँ का है कि जीते है मैडम। तो हम बिजली का बिल जो वो बड़ी प्रॉब्लम है, बिजली का पहले जो सिस्टम था मंथली बिल आते थे और हम पेमेंट कर देते थे, अब ये 5-6 महीने हो गए थे कोई बिल नहीं आया। तो हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से भी चाहते हैं, बिजली डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्होंने तो अच्छा काम किया पहले, लेकिन अब पता नहीं क्या मुसीबत बनी है, ये हमें पता नहीं लग रहा। हम जाते हैं एक्सेस साहब के पास, वो कहते कल या परसों आ जाएगा बिल, मीटर रीड से मैंने मेरी बात हुई खुद, वो कह रहे थे थोड़ी देर में आ जाएगा, फिर बोले उन्होंने नहीं जी श्रीनगर चले गए आपके बिल। श्रीनगर क्यों जाना, जब हम जम्मू में रहते हैं, जम्मू का आते थे पहले, सब कुछ जम्मू से सिस्टम चलता था, श्रीनगर क्यों जाता है? हम ये चाहते हैं कि हमारा बिल जो है जम्मू में होना चाहिए, जो जम्मू परेड में ऑफिस है, एक्सिस साहब है, AEE है, JEE है, ये बहुत अच्छे स्टाफ मेंबर है, ऐसी बात नहीं है, मीटर रीडर जो भी वो भी अच्छे है, लेकिन आप पता नहीं क्या 5-6 महीने का उनको क्या प्रॉब्लम भाई। हम जब जाते हैं बोलते हैं यही प्रॉब्लम श्रीनगर की प्रॉब्लम है, श्रीनगर की क्या प्रॉब्लम है, श्रीनगर का श्रीनगर जा रहे, जम्मू का है, जम्मू का एरिया ही बहुत बड़ा है, श्रीनगर से एरिया बहुत बड़ा है, तो हमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो जम्मू में हल होनी चाहिए, ना कि श्रीनगर में। सर मेरा नाम सुभाष है। यहाँ जी क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत आ रही है आपको यहाँ पर मीटर को लेके, बिजली को लेके, क्या बोलना चाहेंगे? सर दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे लगे हुए 6-7 महीने हो गए मीटर लगे हुए, यार नहीं तो कोई बिल वगैरह आ रहा है नहीं कुछ, हम जाते हैं पूछने बोलते हैं आ रहे हैं श्रीनगर से, वो आएगा ये है वो है, अभी तक बिल नहीं आया। अगर एक ही साथ इकट्ठा बिल आएगा 20-30 हज़ार का, हम कहाँ से दे पाएंगे, गरीब लोग हैं। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें बिल वगैरह दिए जाए, इसके बगैर कार्रवाई हो। जी क्या नाम है जी आप? मेरा नाम ललिता है। ललिता जी क्या कहना चाहेंगे, जो आपके मीटर लगे हैं इसको लेकर डिपार्टमेंट की तरफ से क्या शिकायत है? आप शिकायत यही है कि ये दिसंबर महीने लगे थे, 6 महीने हो गए हैं, तो अभी तक कोई बिल नहीं आया है इसका। दफ्तर में जाते हैं पता लेते हैं कि बिल नहीं आया, क्या बात है कि हम कितने पैसे पता नहीं कितने बन गए हैं, तो कैसे देंगे फिर, तो बोलते नहीं श्रीनगर से आएंगे इसके बिल, तो बस हम चुप करके बैठ जाते हैं। तो फिर अभी क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को, आपकी आपके बिल कहाँ आने चाहिए, कैसे आने चाहिए? आने चाहिए हमारे बिल इधर ही आने चाहिए, महीने महीने के आए तो हम भर देते हैं, ऐसे किट्ठे पैसे कैसे देंगे, हम कहाँ से देंगे। हम यही चाहते हैं कि हमें बिल महीने महीने आए तो हम पेमेंट कर दें इसके। सिधरा के लोगों का और यहाँ के बिजली डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो हेड ऑफिस जो श्रीनगर में है उसका ब्रांच जो है जम्मू में भी खोला जाए, ताकि लोगों का जो बिल है उनके घर तक महीने के महीने पे आता रहे। और ऐसे ही और जो स्टोरीज़ है जम्मू के लोगों की हम आपके साथ और लेके आएंगे, तब तक देखते रहिए NH1 न्यूज़।